हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिडनी थंडर वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के मैच के बारे में। पर वीडियो में आगे बात करने से पहले, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 11 विकेट्स। 11 विकेट्स एक फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी प्लेइंग 11 बना के पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे आपको दोनों ही टीमों में से 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करने होते हैं जो कि आपको लगता है उस पर्टिकुलर मैच में बढ़िया परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे यूनिक फीचर ये है कि आप एक 12th मैन या सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि अगर आपके 11 में से कोई खिलाड़ी नहीं खेलता तो उस खिलाड़ी की जगह पर काउंट किया जाएगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको हर मैच में फ्री लीग्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे एंट्री फीस बिल्कुल 0 रुपीज होती है, और फिर भी आप उन फ्री लीग्स में भी 0 रुपीज एंट्री फीस के साथ पैसे कमा सकते हो। तो आप समझ ही गए होंगे कि 11 विकेट्स है सबसे बढ़िया फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म। और इसके अलावा अगर आप रजिस्टर करते समय मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको बोनस 50 रुपए भी बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो डाउनलोड लिंक और रेफरल कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी थंडर के मैच के बारे में, तो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखिए। पहले बात करें सिडनी थंडर की, तो इन्होंने अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 3 मुकाबलों में इन्हें जीत मिली है, वही 2 मुकाबले ये हारे हैं और 1 मुकाबले का रिजल्ट नहीं आया था। तो इन टोटल इनके पास अभी 7 पॉइंट्स है। बैटिंग में सिडनी थंडर के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं कैलम फर्ग्यूसन, जो कि उनके कप्तान भी है। 6 मुकाबलों में इन्होंने 248 रन बनाए हैं और 62 का उनका एवरेज रहा है, और इसके अलावा उनका स्ट्राइक रेट 140 का रहा है। तो उनका फॉर्म तो रहा है काफी बढ़िया ही, पर इसके अलावा उस्मान ख्वाजा, एलेक्स हेल्स और एलेक्स रॉस ने भी बढ़िया पारियां खेली है। वही बॉलिंग में डैनियल सैम्स ने की है बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, 6 मुकाबलों में 12 विकेट लिया है और इकॉनमी रेट भी उनका 8 से नीचे रहा है। और सिडनी थंडर के लिए एक और पॉजिटिव चीज ये है कि इस सीजन में ये दो टीमें इससे पहले भी भिड़ चुके हैं, और वो इस सीजन का सबसे पहला मुकाबला था गाबा में, और वहां पे सिडनी थंडर ने काफी आसानी से उस मुकाबले को जीत लिया था। वही बात करें इनके अपोनेंट्स ब्रिस्बेन हीट की, तो ब्रिस्बेन हीट इस सीजन काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट रही है। 5 में से 2 मुकाबले सिर्फ जीते हैं और 3 मुकाबलों में इन्हें हार मिली है, और जो 2 मुकाबले ये जीते भी थे उन दोनों ही मुकाबलों में क्रिस लिन ने 80 से ज्यादा रन बनाए थे। तो इससे हमें समझ आता है कि टीम काफी ज्यादा डिपेंड करती है क्रिस लिन की परफॉर्मेंस पे। क्रिस लिन के अलावा टॉम बेंटन, मैक्स ब्रायंट और मैट रेनशॉ ने रन तो बनाए हैं, पर वो कोई बड़ी पारी खेलने में जो है कामयाब नहीं रहे हैं। उन्हें टीम को मैच जिताए ऐसी पारियां खेलनी पड़ेगी। बॉलिंग में ब्रिस्बेन हीट के लिए मिचेल स्वेप्सन और बेन लॉफलिन ने बढ़िया बॉलिंग की है। मिचेल स्वेप्सन ने 5 विकेट लिए है, वही बेन लॉफलिन ने अभी तक 6 विकेट लिए है। तो ऐसे में ब्रिस्बेन हीट चाहेगी कि इस मुकाबले में अपने इनकंसिस्टेंट से इस बीबीएल सीजन को कंसिस्टेंट बनाए और सिडनी थंडर से अपनी पिछली हार का बदला भी ले। बात करें मेरे इस मुकाबले के ड्रीम 11 की या फैंटेसी प्लेइंग 11 की, तो मेरी टीम के विकेट कीपर होंगे टॉम बेंटन। इसके अलावा मेरी टीम में होंगे मैक्स ब्रायंट, क्रिस लिन, कैलम फर्ग्यूसन, उस्मान ख्वाजा, मैट रेनशॉ, डी सैम्स, क्रिस मॉरिस, बेन लॉफलिन, मिचेल स्वेप्सन और अर्जुन नायर। मैंने मेरी टीम के कैप्टन के रूप में रखा है कैलम फर्ग्यूसन को, पर आप अपनी टीम के कैप्टन के रूप में क्रिस लिन को भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी टीम के वाइस कैप्टन के रूप में मैट रेनशॉ या क्रिस मॉरिस में से किसी एक को रख सकते हैं, हो सके तो किसी ऑलराउंडर को ही वाइस कैप्टन रखिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी खुद की ड्रीम 11 या फैंटेसी टीम 11 बनाए, तो आपकी मदद के लिए आपको दोनों ही टीमों की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 या वो 11 खिलाड़ी जो दोनों ही टीमों की तरफ से इस मुकाबले में खेलेंगे वो लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये मुकाबला खेला जाएगा शो ग्राउंड स्टेडियम सिडनी में, और यहाँ पे जो पिछला मुकाबला खेला गया था उसमें 143 का टारगेट चेज हो गया था, तो इस मुकाबले में भी 145 के आसपास रन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। पर आपको एक बुरी खबर दे दूं कि सिडनी में बारिश का फोरकास्ट सुबह से ही है और मैच के दौरान भी बारिश फोरकास्टेड है, बारिश होने का काफी ज्यादा चांस है, तो हो सकता है कि हमें इस मुकाबले में बारिश देखने को मिले। तो इसीलिए टॉस जीतने के बाद दोनों ही टीमें पहले बॉलिंग करना चाहेंगी, क्योंकि अगर बारिश गिरती है तो चेस करने वाली टीम को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। अभी बात करें मेरे इस मुकाबले के प्रेडिक्शन की, तो सिडनी थंडर घर पे खेल रहे हैं और इस सीजन ज्यादा कंसिस्टेंट भी रहे हैं, पर मुझे लगता है ये मुकाबला ब्रिस्बेन हीट जीतेंगे। मेरा प्रेडिक्शन है ब्रिस्बेन हीट। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।